बहुजन समाज पार्टी को जीत दिलवाने के लिए बसपा के सुप्रीमो मायावती बांदा पहुंची, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बसपा प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। अपने संबोधन में मायावती ने हर पोलिंग बूथ जिताना है, बसपा की सरकार बनाना है के भी नारे लगवाए और साथ ही लोगों से पांचवीं बार बसपा की सरकार और खुद को पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनाने का भी आह्वान किया। मायावती ने यह वादा किया कि बसपा की सरकार अगर प्रदेश में आती है तो बुंदेलखंड की जितनी भी समस्या है उन सभी से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। गुंडा राज और अराजक तत्वों का पूर्ण रूप से खात्मा करने का भी वादा मायावती ने किया। साथ ही साथ मायावती कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए भी बोली। आपको जब पीएसपी पावर में आ जाएगी तो आपका जो बुंदेलखंड जो पिछड़ा हुआ है और खासतौर से चित्रकूट मंडल, तो चाहे झांसी मंडल है चित्रकूट मंडल है, यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं होगी उनका जरूर समाधान किया जाएगा। वैसे तो हमने अपने स्कूल में चारों ही सरकारों ने आपके बुंदेलखंड को डेवलप करने के लिए विकसित करने के लिए काफ़ी काम किया है, आप लोगों को ये मालूम है। उसके बाद तो केवल पेपरबाजी चलती रही, मीडिया में प्रचार होता रहा, जमीन के उधर के साथ को यहाँ पे नजर नहीं आया है, ये भी आप लोगों को मालूम है। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है, आप लोग बीएसपी की सरकार बनाए, आपकी बाकी जो भी समस्याएं रह गई हैं बुंदेलखंड की, आपके चित्रकूट मंडल की, उन सब का समाधान किया जाएगा, ये भी मैं विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहती हूँ। बता दें कि मायावती के संबोधन के दौरान बसपा समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली, जो अपने सुप्रीमो को सुनने आए थे। समर्थकों ने नाच गाकर मायावती का स्वागत किया और जमकर गाने भी बजाए। बांदा से अनवर रजा, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मायावती का स्वागत किया और जमकर गाने भी बजाए। बांदा से अनवर रजा, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।